snakes, bomb boys, balls boys. तो डीजल लोकोमोटिव यहाँ से कुछ बिहार तक लेकर जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर एम कुमार। थंबनेल से आप समझेंगे दोस्तों कि आज की जो मेरी ट्रेन जर्नी होने वाली है फिर से एक आखिरी रेलवे स्टेशन से होने वाली है, जहां दोस्तों बांग्लादेश की सीमाएं लगती है बामनहाट में। तो फिलहाल मैं बामनहाट में हूँ, देख सकते हो ये बामनहाट रेलवे स्टेशन, और ये ट्रेन हमारी लगी हुई है उत्तर बंग एक्सप्रेस। तो मेरी जर्नी इसी ट्रेन में होने वाली है, उत्तर बंग एक्सप्रेस में। तो दोस्तों बामनहाट जो कि इंडिया का आखिरी रेलवे स्टेशन, यहाँ जस्ट बगल में उधर दोस्तों बांग्लादेश की सीमाएँ लगती है। तो ये आखिरी इधर रेलवे स्टेशन है, कोई खास बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है। तो यहाँ से जो ट्रेन डिपार्चर होती है उत्तर बंगा एक्सप्रेस, जो कि दोस्तों एवरी डे बामनहाट से 1:45 पर प्रस्थान करती है और अगले सुबह 5:15 पर सियालदह पहुंच जाती है। इस दौरान ये ट्रेन कुल डिस्टेंस कवर करती है 748 किलोमीटर की दूरी 15:30 में तय करती है, विथ एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर और मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर। और दोस्तों बामनहाट से सियालदह के बीच इस ट्रेन की कुल 20 स्टॉप है। तो मेरी जर्नी इसी ट्रेन में होगी दोस्तों, उत्तर बंग एक्सप्रेस में, जो कि बामनहाट से सियालदह के बीच चलती है। दोस्तों बामनहाट रेलवे स्टेशन से ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होने वाली जो मुख्य ट्रेन है वो 3-4 ट्रेनें हैं, जैसे बामनहाट सियालदह उत्तर बंग एक्सप्रेस, उसके बाद बामनहाट सिलीगुड़ी डेमू, बामनहाट सिलीगुड़ी इंटरसिटी और बामनहाट अलीपुर द्वार दोस्तों डेमू चलती है। तो यही 3-4 ट्रेनें हैं जो बामनहाट से ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। चलिए बैक कैमरा से आपको बामनहाट रेलवे स्टेशन दिखाते हैं। दोस्तों मैं ब्रिज पे हूँ दोस्तों, बामनहाट रेलवे स्टेशन जस्ट, और यहाँ ये इलेक्ट्रिफाई रूट नहीं है यहाँ, तो ये एक प्लेटफॉर्म उधर है, ये 2 नंबर पे खड़ी है उत्तर बंगो, बाकी ये उसके बगल वाले 3 नंबर प्लेटफॉर्म है। तो प्लेटफॉर्म पे आपके कोई दुकान वगैरह भी नज़र नहीं आएगी, तो ये इस तरह से प्लेटफॉर्म है। और वो सामने आपको जस्ट स्टेशन के बगल में वहाँ मार्केट वगैरह है, गेट के पास मार्केट वगैरह है, वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, मार्केट वगैरह, होटल वगैरह, खाने पीने की चीज़ें वहाँ हैं, जस्ट बगल में मार्केट है स्टेशन के बगल में। बाकी दोस्तों स्टेशन पर कोई तमाम सुविधा उपलब्ध नहीं है, एक भी दुकानें वगैरह आपको नज़र नहीं आएगी। तो ये इस तरह से 3 ही प्लेटफॉर्म है, और जैसा मैंने कहा यहाँ से 3-4 ट्रेनें ही ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। तो ये इस तरह से उधर आपको दूर जस्ट पास में दोस्तों बांग्लादेश बॉर्डर भी आपको मिलेगा। तो ये इस तरह से बामनहाट रेलवे स्टेशन है। तो डीजल लोकोमोटिव यहाँ से कुछ बिहार तक लेकर जाएगी। चलिए दोस्तों आप वीडियो पे बने रहे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर दबा लें। चलिए दोस्तों फिर ट्रेन पे चलते हैं, फिर आज की जर्नी शुरू करते हैं। मैं जा रहा हूँ पीछे की तरफ क्योंकि यहाँ से ट्रेन तो खाली ही जाती है। फिलहाल अभी देख सकते हो ट्रेन पूरी खाली है, क्योंकि यहाँ से ट्रेन खाली ही जाएगी, बाकी आगे जाके भरेगी कुछ बार वगैरह से। फिर सफाई कर दी गई है, यहाँ कचरा ला के जमा कर दी गई है देख सकते हो। तो पानी वगैरह तो हालांकि है, जो उधर से सियालदह से आई है वही जो पानी भरी है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो प्लेटफॉर्म के इधर पानी वगैरह भरने का ऐसा कोई साधन नहीं है, ये स्टेशन पर लास्ट ही है, तो यहाँ तो ऐसा कोई साधन नहीं है भराई का। बस थोड़ी सी साफ़ सफाई झाड़ू वगैरह मार दी गई है। वॉशरूम की कंडीशन अगर दिखाने लायक नहीं है, बाथरूम की कंडीशन जैसी होनी चाहिए, जैसा मैंने कहा यहाँ ठीक से साफ़ सफाई का कोई साधन नहीं है। बाकी कोच दोस्तों झाड़ू वगैरह मार दी गई है, देख सकते हो कोच को सिर्फ झाड़ू वगैरह मार के साफ़ सफाई कर दी गई है देख सकते हो। तो कोच साफ़ सफाई लग रही है। दोस्तों मैं बैठ चुका हूँ विंडो सीट पर, फिलहाल तो ट्रेन अभी पूरी खाली है। चलिए और लगभग 45 मिनट टाइमिंग है ट्रेन डिपार्चर में, चलिए ट्रेन डिपार्चर जैसे होगी फिर आपको डिपार्चर भी दिखाती है अभी। तो दोस्तों फाइनली ट्रेन डिपार्चर हो चुकी है बामनहाट से ऑन टाइम 1:45 पे, और इनका पहला स्टॉप है दिनहटा। और इधर दोस्तों सिंगल रूट है और इलेक्ट्रिक फाई का जैसा मैंने कहा दोस्तों काम चल रहा है, तो डीजल लोकोमोटिव के साथ यहाँ से जाएगी न्यू कोच बिहार तक। और तो चलिए दोस्तों जब तक ट्रेन डिपार्चर होती है मैं आपको इस ट्रेन में कोचेस के बारे में जानकारी दे देता हूँ। इस ट्रेन में आपको 5 प्रकार की कोचेस मिलेंगी, जनरल कोच, स्लीपर क्लास, 3rd AC, 2nd AC और 1st AC। बात करें फेयर की तो जनरल क्लास में पर पर्सन 225 रुपये, स्लीपर क्लास पर पर्सन 400 रुपये, और 3rd AC पर पर्सन 1085 रुपये, और 2nd AC पर पर्सन 1545 रुपये, और 1st AC पर पर्सन 2595 रुपये फेयर है दोस्तों बामनहाट टू सियालदह और सियालदह टू बामनहाट इस ट्रेन की उत्तर बंगो एक्सप्रेस। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें।
पहुंच रही है दिन हटा और यहाँ पे 2 ही मिनट का स्टॉप है। देख सकते हो छोटा सा ही स्टेशन है, सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे और कोई ट्रेन लगी हुई है यार। तो ट्रेन खड़ी हो चुकी है दिन हटा पे, देख सकते हो कुछ लोग चढ़े हैं यहाँ पे, तो कुछ लोग चढ़े हैं यहाँ पे दिन हटा पे। सामने से खुल रही है दिनहटा से सिलीगुड़ी बामनहाट इंटरसिटी एक्सप्रेस जो कि सिलीगुड़ी से बामनहाट की ओर जा रही है। दोस्तों ट्रेन पहुंचने वाली है न्यू कोच बिहार और ये सामने आपको न्यू कोच बिहार एयरपोर्ट दिख रही होगी। ये बिल्कुल न्यू कोच बिहार एयरपोर्ट है, कोई खास बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। तो ट्रेन पहुंच रही है दोस्तों न्यू कोच बिहार और दोस्तों ये सामने वाली जो ट्रैक देख रहे हो वो न्यू अलीपुर द्वार की तरफ से यहाँ न्यू कोच बिहार में आकर मिल जाती है। और न्यू कोच बिहार में लगभग ट्रेन दोस्तों 35 मिनट रुकने वाली है क्योंकि यहाँ पे डीजल लोकोमोटिव को हटाई जाएगी और यहाँ से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ये सियालदह तक जाएगी, तो जिसके वजह से यहाँ पे ट्रेन लगभग 35 मिनट यहाँ इसका स्टॉप दिया गया है न्यू कोच बिहार में। दोस्तों ट्रेन पहुंच चुकी है न्यू कोच बिहार स्टेशन कोड NCB स्टेशन को ओपन किया गया था 1966 में। यहां कुल 7 प्लेटफॉर्म है, नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन और डिवीजन है अलीपुर द्वार। ट्रेन दोस्तों यहां पे 35 मिनट रुकेगी जैसा मैंने कहा क्योंकि यहां से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ जाएगी और डीजल लोकोमोटिव को खोली जाएगी। तो यहां तो ट्रेन न्यू कोच बिहार से डिपार्चर हो चुकी है, अब इनका अगला स्टॉप है फालाकटा। और न्यू कोच बिहार से एक रूट, ये जो सामने वाली रूट है देख रहे हो, ये रेलवे ट्रैक चली जाती है अलीपुर द्वार जंक्शन और ये सीधा चली गई इधर जलपाईगुड़ी रोड होते हुए न्यू जलपाईगुड़ी और वो वाली ट्रैक चली गई उधर अलीपुर द्वार जंक्शन की ओर। ट्रेन पहुंच रही है फालाकटा। तो
ट्रेन खड़ी हो रही है फालाकाटा पे, और यहाँ भी 2 ही मिनट का स्टॉप है। अब ट्रेन अभी भी खाली ही है, उतनी लोग नहीं है, बस 1-2 लोग स्टेशन पे चढ़ रहे हैं और बाकी खाली ही जा रही है ट्रेन। तो सियालदह जाने के लिए ट्रेन वैसे अच्छी है। ट्रेन पहुंच रही है धूपगुड़ी, यहाँ पे ट्रेन का 2 ही मिनट का स्टॉप है। ट्रेन खड़ी हो रही है धूपगुड़ी पे और ट्रेन बिल्कुल अपने टाइम से ही चल रही है। जैसे मैंने कहा यहाँ भी 2 ही मिनट का स्टॉप है, इनके बाद अगला स्टॉप न्यू मैनागुड़ी। और देख सकते हो ट्रेन अभी भी बिल्कुल खाली ही जा रही है, बस 1-2 लोग उधर बैठे हुए हैं और 1-2 लोग ही यहाँ भी चढ़े हैं। ट्रेन पहुंच रही है न्यू मैनागुड़ी। ट्रेन खड़ी हो चुकी है न्यू मैनागुड़ी पे, यहाँ भी 2 ही मिनट का स्टॉप है, इनके बाद अगला स्टॉप जलपाईगुड़ी रोड। Thank you.
ट्रेन पहुंच रही है जलपाईगुड़ी रोड और यहाँ के बाद नेक्स्ट स्टॉप न्यू जलपाईगुड़ी। तो ट्रेन खड़ी हो रही है जलपाईगुड़ी रोड पे, यहाँ भी 2 मिनट का स्टॉप है, अगला स्टॉप न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन। तो ट्रेन पहुंच रही है दोस्तों न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन अपने टाइम से 30 मिनट बिफोर। तो चलिए दोस्तों, मेरी जर्नी न्यू जलपाईगुड़ी तक ही थी। चलिए दोस्तों, ये छोटी सी जर्नी आपको कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, फाइनली ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी पहुंच चुकी है और मेरी जर्नी न्यू जलपाईगुड़ी तक ही थी। वैसे सियालदह जाने के लिए ये ट्रेन काफ़ी अच्छी है, उत्तर बंगाल एक्सप्रेस टाइम से पहले ही यहाँ पहुँच गई, जैसा मैंने कहा आधा घंटा पहले। तो चलिए दोस्तों, ये छोटी सी जर्नी आपको कैसे लगी, अच्छे लगे तो लाइक सब कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।